नमस्कार बिग ब्रेकिंग न्यूज को आपनको स्वागत करूछि मु स्वागतिका। मुंबई रे बिना माइक रे हेबो नमाज पाठ, एने एक बैठक रे निष्पत्ति नेछंती धर्मगुरु। दक्षिण मुंबई और 26 टी मस्जिद रे बिना लाउड स्पीकर हेबो नमाज पाठ, सकाळ बिना माइक रे हेबो अजान, राति 10 रु सकाळ 6टा जाय बिना माइक रे हेबो अजान। लाउड स्पीकर को नै सुप्रीम कोर्ट को आदेश पालन हेबो बोली बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि। महाराष्ट्र रे एबे लाउड स्पीकर को नै विवाद देखबा को मिलिछि। एमएनएस नेता राज ठाकरे महाराष्ट्र सरकार को विरोध रे मोर्चा खोली छंती। हमारे यहाँ हमारे एरिया में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार अजान दी गई है। बिना माइक के सुबह 6 बजे अजान, 6 से पहले अजान जो हुई है वो तो बिना माइक की दी गई है। अभी कोर्ट को ऑर्डर है तो हमको तो मानना ही पड़ेगा ना। वो चीज़ मीटिंग के बाद हमने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इंशाल्लाह लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मुताबिक फैसला हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम पालन करेंगे और न किसी के दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो हम उसके अपने सर आँखों पर कि हम 10 से 6 के बीच में ये माइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हुए और सब लोगों ने मिल के बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी उसके, सारे उलमा इकराम ने बैठ के एक राय किए कि भाई ये माहौल अगर अजान 10 से 6 बजे तक के, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है अगर उसके मुताबिक अगर हम लोग चले तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी प्रेशर से एक अच्छे मैसेज देने के लिए, एक बम्बई शहर का माहौल नहीं ख़राब हो, इसके लिए हम लोगों ने सब मिलकर फैसला किया है। तमाम मसलक के, तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग एक जगह जमा होकर एक फैसला बगैर किसी दबाव के एक ही आवाज़ में लब्बैक कहते हुए जो फैसला हुआ है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी मस्जिद हरी मस्जिद मदनपुरा में अल्हम्दुलिल्लाह हर मसलक के मस्जिद के जिम्मेदार और बहुत से लीडरान और दानिश्वर मौजूद थे। उसमें यह फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है